बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार पर क्या आई है बड़ी मुसीबत। फिल्म लक्ष्मी के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी आखिर किस बात का है डर, क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं। अक्षय कुमार इन दिनों बहुत खुश है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी ने उन्हें बताया है कि फिल्म लक्ष्मी ने पहले दिन किसी फिल्म के ओटीटी पर देखे जाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन दावे चाहे जो भी हो, सच यही है कि फिल्म लक्ष्मी को अधिकतर दर्शकों व समीक्षकों ने पूरी तरह से नकार दिया है। जी हाँ, कई लोगों ने अक्षय कुमार के इस फिल्म को बुरी तरह से ट्रोल किया, तो कई लोगों ने अक्षय की एक्टिंग का मजाक उड़ाया और अब इसके चलते अक्षय की आने वाली फिल्मों का कैलेंडर गड़बड़ाने की पूरी आशंका दिख रही है। सोमवार को ओटीटी पर रिलीज हुई अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी को जितने ज्यादा लोगों ने देखा, उतने ही ज्यादा लोगों ने इसके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी की सदस्यता लेने के अपने फैसले का रोना भी रोया। अक्षय ने इस बीच निर्देशक मुदस्सर अजीज की एक फिल्म ही साइन की है, जिनकी बतौर निर्देशक अब तक रिलीज फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट 50-50 रहा है। इस बीच लक्ष्मी की हालत देख उनकी आने वाली फिल्मों के निर्माताओं और वितरकों की बेचैनी बढ़ गई है। जिस तरह बड़ी ओपनिंग पाने के बाद आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान सुपर फ्लॉप रही, वही हाल अक्षय कुमार की लक्ष्मी का भी है। इस फिल्म की असफलता के बाद अब अक्षय की अगली फिल्मों पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी फिल्म सूर्यवंशी इस साल की शुरुआत से ही बनकर तैयार है और इसे देखने के लिए प्रशंसक उत्साहित भी थे, लेकिन लक्ष्मी को देखने के बाद लोगों का मन खट्टा हो गया है और वो अक्षय की अगली फिल्म के लिए सोशल मीडिया पर निराशा जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्षय के लिए रिजेक्शन का भाव देखते हुए उनकी अगली फिल्मों के निर्माता भी अब सोच में है। वेल, इस बात को बॉलीवुड नाउ कंफर्म नहीं करता। ये सारी जानकारी अमर उजाला के रिपोर्ट्स के मुताबिक है। वेल, अब देखना होगा कि अक्षय कुमार इस मुश्किल से उभर पाएंगे या नहीं। आप हमें बताएं अपनी राय, साथ ही बताएं कि अक्षय के रीसेंट परफॉर्मेंस को देख क्या आपको भी लगता है कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स पर हो सकता है परिणाम। पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। आल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।